हाय गाइज, वेलकम बैक टू अदराज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। तो पनीर की सब्जी के लिए मैंने प्याज, टमाटर, जिंजर, गार्लिक को कट करके ऑयल में फ्राई कर रही थी, क्योंकि मैं ऐसे ही बनाती हूँ। सभी लोग ऐसे ही बनाते हैं, मैं ही नहीं, बट मैं बाकी सब्जियाँ भी ऐसे ही बनाती हूँ जिससे कि स्मेल ना आए प्याज की। प्याज को पका के डालने से स्मेल नहीं आती, कच्चा डालने से स्मेल आती है। और यहाँ पे फिर मैं ये मैंने पनीर कट कर लिया था, और ये सोया पनीर था तो मुझे नहीं पसंद आया, बट कोई नहीं, खा तो लिया। और फिर यहाँ पे मैं ना वो जो प्याज और टमाटर को निकाल के रख दी थी ठंडा होने के लिए, और पनीर को भी उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के और फ्राई कर ली थी, क्योंकि मेरे को ना पनीर फ्राई किए वाला ज़्यादा पसंद है। ऐसे भी डाल सकते हैं बिना फ्राई किए, बट फ्राई करके आप ट्राई करो, बहुत टेस्टी लगता है। और उसके बाद ना मैंने पनीर को निकाल लिया और ऑयल जो था उसको निकाल लिया और बटर डाल दिया उसी कढ़ाई में, क्योंकि मैं बोली कि कौन कढ़ाई बदलता रहे। तो उसके बाद मैंने जो मसाला ग्राइंड किया था वो डाल दिया, उसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डाला, गरम मसाला डाला मैंने इसमें थोड़ा सा, और अच्छे से पकाया। ये देखिए मैं गरम मसाला डाल रही थी और पनीर मसाला भी डालती हूँ, पर अब ये ना फ्राई करने से ना आपकी सब्ज़ी बिना पनीर मसाले के भी अच्छी बनती है, तो मैंने नहीं डाला। और यहाँ पे अच्छे से सभी मसाले मिक्स करके मुझे चलाना है इसको, और जब तक चलाए जब तक कढ़ाई मतलब मसाला तेल ना छोड़ने लग जाए। तो यहाँ पे देखिए तेल छोड़ने लग गया था, उसके बाद जो मैंने फ्राई किया था ना पनीर तो वो डाल दिया था पहले। आपको पता है पनीर की सब्ज़ी बनाना बोले तो लोगों को ऐसा लगता है कितना हार्ड काम है, पनीर बोले तो बहुत ही हार्ड, मतलब पहले के ज़माने में है ना, आजकल नॉर्मल सब्ज़ी हो गई अभी ये। और पहले फेस्टिवल पे बनाते थे, अब तो रोज़ ही बना सकते हैं। तो यही था, और इसमें मैंने पानी डाल के इसको अच्छे से चलाऊँगी, नमक डालूँगी अब क्योंकि नमक मैं बाद में डालती हूँ, तो पूरा पानी ये हो जाएगा ना तब तक बनाऊँगी, तब तक सब्ज़ी हो जाएगी। और एक साइड मैंने राइस भी बना दिए थे और सब्जी बन गई थी, अब यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक लूँगी। तो चलिए रोटियाँ सेक लेते हैं। तो मैं ना बिना तेल की रोटी बनाती हूँ, मुझे ऑयल लगी रोटी पसंद नहीं है, कम खाना चाहिए ऑयल इसलिए। और तो ये देखिए यहाँ पे मैं रोटियाँ, और ना रोटी थोड़ी मैंने बड़ी बड़ी बनाई है, छोटी बनाती हूँ, बट बहुत मेरे ना पैर दुख रहे थे, मैंने जल्दी बहुत पतली बनाई पर बड़ी बड़ी बना दी। खैर कोई नहीं, खा तो लेंगे, हम घर पे ही हैं। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी और ये था हमारा डिनर। तो चलिए मिलते हैं। और है ना मैंने खाना थोड़ा जल्दी बना लिया था बिकॉज हम कहीं बाहर गए थे, तो इसलिए तो मैंने आके खाना बनाया। सुबह में हम बाहर गए थे, आके खाना बनाया 5 को, और फिर मैं तैयार होकर यहाँ पे देखिए बाहर जा रही हूँ आदि के साथ। कुछ सामान था जो भी था वो लेके आई, तो अब आई हूँ आके, मैंने सिर्फ चेंज किए कपड़े, तो अब खाना खाएंगे और खाना चलो तो देखते हैं। और ये देखिए मैंने ना रेड सिंदूर लगाया, पर ये मैरून क्यों हो गया पता नहीं, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। तो चलिए और आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए बर्तन सब वॉश करके गई थी। और तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ सोच रही हूँ। और इस ब्लॉग में कुछ भी नहीं था ऐसा, और जब से एलवी की है, किसी ने सही बोला एलवी करने से व्यूज में कमी आती है, सच्ची है ये यार। 200-300 व्यूज आते थे तो 30-35 व्यू जा रहे हैं, तो ये कोई बहुत, क्योंकि एलवी के चक्कर में लोग आते नहीं हैं, पर क्या करें, वॉच टाइम भी तो नहीं हो रहा है ना, देखते हैं क्या है क्या नहीं, आगे का आगे सोचेंगे, पर फिलहाल तो अभी एलवी कर लेते हैं। करने का तो मन किसी का नहीं होता, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा ही ना। तो चलिए इन खाई थी वहाँ पर। तो आदि बताओ, मामा के नेल पेंट्स क्यों तोड़ते हो? इधर देख के बोलो। हाँ मुझे नेल पेंट लगाने का बहुत शौक है। शौक है आदि को, बहुत शौक है। और ये खाना लेने को बोला था तो बातें करने लगी, और चार्जिंग तो बिल्कुल नहीं रह रही है मोबाइल में, तो चार्जिंग कर लेते हैं, एलवी भी स्टार्ट करना है। तो चलिए चलिए, बाय 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 बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और अपनों का, बाय।